हम लोग रॉयल एंटरप्राइज, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। ये हमारा जो ऑर्गेनिक खाद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो ऑर्गेनिक खाद है, ये खाद किसी भी प्रकार के एनिमल्स के मलमूत्र या किसी भी प्रकार के झाड़ के पाला पाचोड़ से ये बनाया हुआ नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक खाद बनाया हुआ है, ये खाद विशिष्ट प्रकार के झाड़ के अर्क से और खनिज मिनरल्स ये मिक्स करके ये फर्टिलाइजर बनाया हुआ है। ये फर्टिलाइजर प्योरली ऑर्गेनिक है। यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके सामने इस खाद का ये लैब रिपोर्ट है, जो एनिमल सर्टिफाइड लैब है, जो भारत की जो अग्रगण्य लैब है, उसका ये सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट है। इस खाद में जो भी इंग्रेडिएंट्स है, इस खाद में जो भी कंटेंट्स है, वो इसमें आपको दिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कंटेंट जो मिनिमम 14% होता है, हमारे खाद में यहाँ पे ये 38% है। हाँ, इसमें है निकल, इसमें कॉपर है, मरकुरी है, निकल है, जिंक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पौधे को और हमारे हमारे जमीन को जो अत्यावश्यक होते हैं, वो सारे कंटेंट ये इसमें दिए गए हुए। पर ये जो खाद है, ये हमने जो इस एग्जीबिशन के पहले दिन में कि हमने महाराष्ट्र में लॉन्च किया हुआ है, इसको लॉन्च करने के पहले हमने इस खाद के भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग सॉइल पे इसका हमने प्रोसेशन लेके इसका हमने ट्रायल्स किया हुआ है। और ये जो खाद है, ये प्योरली ऑर्गेनिक है। इस ऑर्गेनिक होने के कारण में आपका जो आने वाला जो पौधा है या जो आने वाला फल है, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने वाला है, जिसकी वजह से आपके माल को जो आपको रेट मिलेगा, जो भाव मिलेगा, उससे आपका उत्पादन, उससे आपका जो इनकम है, वो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले हमने खुद इसी में कहा कि भारतवर्ष में इसके ट्रायल्स किए हुए, हमारे पास में उन सारे किसानों के वीडियोस और सारे किसानों के फोटोज और नंबर्स हैं कि जिन्होंने ये ट्रायल्स किए हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो किसानों ने यहाँ पे शिमला मिर्च का प्रोडक्शन लिया था, कि उन्होंने पॉली हाउस भी किया था, तो आप देख सकते हैं कि पॉली हाउस में उस शिमला मिर्च की जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे सारे पौधे एक सरीके आए हुए, सारे पौधे के जो ये है वो एक सरीके दिखेंगे। और आपको ये वीडियो जैसे आप आगे जाता है, यहाँ पे आप देखो, आखिरी में आप देखोगे कि जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे जिन्होंने यूरिया से आया हुआ, ये आपको दिखेगा। ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रहने के कारण में, और ये प्रोडक्ट हमने जब लॉन्च करने के पहले हमारे जो केवीके के जो एक्सपोर्ट्स है, उनको भी हमने ये दिखाया हुआ है, उन्होंने भी ये दिखा हुआ है कि इसमें जो कंटेंट्स है, एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंटेंट्स, अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के कंटेंट्स की मात्रा से इसमें कंटेंट्स काफी तरह से अच्छे। ये खाद, ये जो हमारा खाद है, इसी एग्जीबिशन में आज एन डेमो की तरफ में यूज किया हुआ है। यहाँ पे केवीके ने 3 सरों में हमारा खाद डाला हुआ है और बाकी के सरों में दूसरा खाद डाला हुआ है। आप खुद वहाँ पे जाकर खेत में जाकर देख सकती हो, जहाँ पे उन्होंने गन्ने का रोप लगाया हुआ है, 3 सरों में जहाँ पे हमारा खाद डाला हुआ है, वहाँ का आया हुआ गन्ने का जो पौधा है वो कैसे बड़ा हुआ है और बाकी का जो गन्ना है वो कैसे बड़ा है, आप खुद आपके आपको से देख सकते हो। खेत में आपको रॉयल एंटरप्राइज का नाम का बोर्ड दिखेगा, वहाँ उसको देख सकते हो। आपका नंबर? या मेरा नाम है अमोल कांबळे, और मेरा नंबर है 8999183825। इसका ये प्रयोग, इसका कैसे यूज करना, ये मैं आपको बोल देता हूँ। ये जो खाद है, ये खाद हमारा आपको एकरी ये खाद आपको 200 किलो ये खाद और 400 किलो शेन खाद, जो गोबर का डंक होता है, वो आपको यूज करना है। आपका खेत जोतने के बाद में उसको पहले आपको ये खाद 200 किलो का ये खाद डालना है, उसके ऊपर आपको गोबर का खाद डालना है और उसको मिट्टी से ढक के 15 दिन उसको पानी से आपको भिगो के रखना है, 15 दिन आपको भिगो के रखना है। तो आपको जो 15 दिन क्यों, 15 इसके लिए क्योंकि इस खाद में जो भी बैक्टीरिया है, ये खाद में जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या क्या काम करने वाले, कि जो हमारे जमीन में पहले से ही जो केमिकल है, जो हमारे जमीन में जो केमिकल गड़ा हुआ है, 15 दिन में ये खाद और ये बैक्टीरिया उसको नरिश कर दिए, वो जमीन का पोत बढ़ा दिए। जैसे हम लोग अपने बालों में डैंड्रफ होने के बाद में हम लोग शैम्पू का यूज करते हैं, उसी तरह
इसके अंदर के जो वैक्टर्स है वो एक काम करने वाले, तो उसका रन केवल अगर आप देखोगे तो जो हम लोग जब खेत जोतते हैं तो खेत अलग प्रकार होता है और 15 दिन के बाद खेत खेत की मिट्टी है वो मुलायम हो जाती है, उसको हम लोग मरणी में बोलते हैं जमनी का पोत और होने, और 15 दिन के बाद आप उस पर किसी भी प्रकार का रोग पौधा आप उस पर रोइए आपको उस पर अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे इसमें कार्बन कंटेंट 38% है, कार्बन कंटेंट 38% होने के कारण में ऑक्सीजन की मात्रा रूट्स के एंड तक पहुंचती है, जमीन के अंदर में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बढ़ता है, रूट्स के एंड तक वो हो जाता है, उस रूट्स के एंड अगर रूट सबके अच्छे होते हैं तो आपको आने वाला पौधा वो सशक्त हो जाता है, जो पन्नों का कलर है जो झाड़ की पत्तियां हैं उनका कलर हरा होता है और इस पत्ती के नीचे में एक विशेष प्रकार का द्रव तय हो जाए कि जिसके कारण जो पौधा है उसके अंदर खुद ब खुद एंटी बैक्टीरियल बॉडी तैयार है, वो उसके कारण में रोग प्रतिकार शक्ति वो झाड़ में बढ़ती है।